अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का करना मत। ओ अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का करना मत, करना मत। बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। प्यारे बहन भाइयों, आप सबने मेरी बहुत मदद की थी, मुझे बहुत सपोर्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा था। और मैं उन लोगों के लिए भी बधाई देता हूँ कि जो लोग मेरे खिलाफ लिखते हैं या मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि अब फैंस दो प्रकार के होते हैं। एक फैंस वो होता है जो पॉजिटिव सोच रखता है मेरे बारे में, दूसरा वो होता है जो नेगेटिव सोच रखता है। लेकिन कोशिश करें कि अपनी नेगेटिव सोच को बदल कर पॉजिटिव में तब्दील कर लें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है आज की मेवात आज तक चैनल जो है, इसको यूट्यूब ने तो पहले ही ब्रांड बना दिया था, आप सबको पता है। ये सिल्वर अवार्ड भी आपके सामने दीवार पर लटका हुआ है और जल्द ही इंशाल्लाह गोल्ड मेडल भी हम लेंगे। और इसके अलावा फेसबुक की दुनिया में, यानी जिस फेसबुक पर मेरा कुछ दिन पहले कड़ा विरोध हुआ था, बिना किसी कसूर के मेरा काफ़ी विरोध किया गया, वो समा क्या बुझेगा जिसे रोशन खुदा करे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज बताना चाहता हूँ, फेसबुक की दुनिया में भी हम ब्रांड बन चुके हैं। यानी मेवात आज तक का जो फेसबुक पेज है उसके करीब 1,00,000 फॉलोवर्स हैं, 40,000 से ज़्यादा लाइक हैं। लेकिन ऐसे में खुशी की बात यह है कि भारी ट्रैफिक को देखते हुए मेवात आज तक के पेज को ब्रांडेड बना दिया और इसके अलावा मोनेटाइज भी कर दिया। अब खुशी की बात यह है कि अब फेसबुक भी हमें आय देगा, यानी अर्निंग देगा। तो यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में हमने बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र और इलाके के लेवल को देखते हुए बहुत ही उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और इंशाल्लाह जल्द ही यूट्यूब से गोल्ड मेडल भी लेने के इरादे हैं। और आपको बता दूं कि फेसबुक जब से मोनेटाइज हुआ है और इसको ब्रांडेड की उपाधि मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ये बात सुनकर खुश होंगे, क्योंकि मेवात का पहला ऐसा चैनल है जो यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में ब्रांड बना है। और इसके अलावा जल्द ही इंशाल्लाह ताला इंस्टाग्राम और कुछ अन्य साइटों पर भी हम लोग ब्रांड बन जाएंगे, लेकिन खुद से नहीं, ऊपर वाले की कृपया से और आप सभी बहन भाइयों के प्यार से। आप मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए, मैं हमेशा आपका एहसान मंद हूँ, आपका एक वर्कर हूँ, वर्कर के रूप में काम करता हूँ। सुबह घर से निकलता हूँ और शाम को किस वक्त घर में घुसेंगे कुछ नहीं पता। हजारों यार मिलते हैं और सैकड़ों दुश्मन मिलते हैं। सारी दुनिया से लड़ लड़ा कर आप लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। और इसके अलावा मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों ने सपोर्ट किया, 10 जिले में सबसे टॉप पर पहुंचाया और यूट्यूब से आपने सिल्वर अवार्ड दिलवाया, अब गोल्ड मेडल की तैयारी है। लेकिन फेसबुक पर भी आपने इतना सपोर्ट किया कि पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे अव्वल दर्जे पर हमें पहुँचाया, आपका बेहद ही शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब एक और निवेदन करना चाहता हूँ, पहले उन नफरतबाज लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नफरतों को छोड़ दीजिए। ये हमारे नबी का फरमान नहीं है, ये कुरान शरीफ का फरमान नहीं है, हमारे खुदा का फरमान नहीं है कि एक दूसरे इंसान से नफरतें करो, बढ़ते हुए इंसान की टांग खींचो। बेहतर होगा कि एक पिछड़ी सी मेवात है, ज़रूरत है इसमें एकता की, और आपको पता है एकता में अनेकता होती है। एक छोटी सी पिछड़ी मेवात है, इसके साथ हर एक सरकारों ने धोखा किया है और हमारे जो खुद के नुमाइंदे हैं वो भी धोखे में रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेवात का हर युवा मेरे जैसी मेहनत करे और अपने फ्यूचर को खुद बनाकर खड़ा कर दे, और फ्यूचर ऐसा बनाओ जिस फ्यूचर से खुद के बच्चे भी पले और दूसरों का भी भला हो और क्षेत्र का नाम भी रोशन हो। तो प्यारे दोस्तों, अपनी नफरतों को छोड़कर आप मोहब्बत में तब्दील कर दीजिए, ठीक है। विरोध आपको जो करना था आपने बहुत कर लिया,
लेकिन इस विरोध से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि मुझे और बल मिलता है, ताकत और एनर्जी मिलती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऐसे भाई बहन हैं जो अपने हैं वो विरोध ना करें। दूसरी बात यह है, फिर एक बार कहना चाहता हूँ, दूसरी बात यह है कि सपोर्ट उसकी करो जो काबिल हो। वो आप अच्छे से जानते हैं कौन काबिल है कौन नाकाबिल है। और अब मैं अपने चाहने वाले इतनों से कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे छोटे बड़े बच्चे नौजवान बुजुर्ग हमारी पर्दा नशीन माँ और बहनें जो हमें फॉलो करते हैं, वो प्लीज़ चाहे बात YouTube की हो चाहे Facebook की दुनिया की हो, आप मेरी किसी भी वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर कर दें। यदि आपने हमारी वीडियो देखी सोचेंगे कि हमने अरशद बिसरू की वीडियो को देखा, हमने उसे सपोर्ट किया है। मैं मानता हूँ कि एक व्यूज तो बढ़ेगा लेकिन वो कोई खास सपोर्ट नहीं होती है। आप सोचिए दिमाग से, आपने कोई वीडियो मेरी चला कर देखी तो उससे मुझे सिर्फ एक व्यूज मिलेगा। अगर उसी वीडियो को देखने के बाद में आप अगर खुद बार बार नहीं देख सकते हैं तो उस वीडियो को आप आगे 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, तो मुझे आपका जो एक व्यूज मिलना था उसके साथ में 11 व्यूज मिलेंगे, और हो सकता है 11 की जगह 11,000 व्यूज भी मिल सकते हैं, क्योंकि जिनके लिए आप शेयर करोगे हो सकता है वो भी आगे उसको फॉरवर्ड कर दें। तो इसलिए प्लीज़, बात यूट्यूब की हो या फेसबुक पेज की हो, मेवात आज तक की किसी भी वीडियो को देखने के बाद आप आगे शेयर ज़रूर कर दें। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ अपने सभी बहन भाइयों से। और मेवात आज तक का ऐप भी बना हुआ है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कभी भी पुरानी से पुरानी नई से नई खबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहता है ना कि कई बार खबर ढूंढते लेकिन मिल नहीं पाती है, उस ऐप में तमाम वीडियोस हमारी मिल जाती है, पूरी लिस्ट उसके अंदर होती है। ये आपको बेनिफिट मिलता है, आपका जब दिल चाहे ऐप खोलकर आप खबर देख सकते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने मेवात आज तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसलिए मैं आज बस यही बताना चाहता था कि मैं बहुत खुश हूँ और आप सब लोगों को खुशी देना चाहता था। मेवात आज तक चैनल का जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइज हो चुका है और इसके साथ साथ वो ब्रांडेड भी बन गया है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।